क्रियाकलाप तीन। पहला, एक स्वरित्र द्विभिज लें। दूसरा, इसकी भुजा को रबर पैड पर मारकर कंपित कराइए। तीसरा, कंपित स्वरित्र द्विभुज को कान के समीप लाएं। क्या आपको ध्वनि सुनाई देती है? कंपित स्वरित्र द्विभुज की भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? मित्रों से चर्चा करें। उक्त सभी क्रियाकलापों में आपने देखा कि ध्वनि किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होती है। भिन्न भिन्न पदार्थों, वस्तुओं में कंपन से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। ध्वनि पदार्थ की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिससे वह अपने आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात जब किसी पदार्थ पर बल लगाकर उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन किया जाता है अथवा परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, तब वह प्रत्यास्थता के कारण उस परिवर्तन का विरोध करते हुए पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करती है। जो पदार्थ जितना ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा वह उतना ही शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करेगा। जैसे धातु से बने पदार्थ रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होते हैं, इसी कारण उन्हें मोड़ना या खींचना रबर की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होता है। पदार्थ का यही गुण उनसे उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को प्रभावित करता है। कंपित वस्तु की लंबाई भी ध्वनि को प्रभावित करती है। एक सीमा से कम लंबाई पर कंपित वस्तु की ध्वनि सुनाई नहीं देती है।